हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द एग्जाम। तो फिर एक बार नया दिन, नए क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस, नए फाइव क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द आईसीटी सेक्शन। तो ये बेसिकली हम जो ये सीरीज आपके साथ करवा रहे हैं, हर दिन पांच पांच क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आई होप आपको इस सीरीज से बहुत ही ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो रहा होगा। और इससे पहले हमने जितने भी क्लासेस ले रखे हैं, तीन क्लासेस ले रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे और अच्छे से देखिए। और हम यहाँ पे ऐसे नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहे हैं और उसका उसका आंसर बता दे रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पे आपको उसका डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, क्या है इसका आंसर, क्यों है आंसर इसका, कैसे इसका आंसर निकल रहा है, पूरा डिटेल में बता रहे हैं। और आई होप आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा इस सेशन में और बहुत सारे चीज आपको नए सीखने को भी मिल रहे हैं। ओके, तो अब ये देखो, ये जो हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा एग्जाम के आवर में। ओके, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, मेमोरी साइज और उसके नंबर ऑफ बीट्स आपको पूछा है। एमबी के कितने बीट्स होते हैं, गीगाबाइट से कितने बीट्स होते हैं, टेराबाइट से कितने बीट्स होते हैं, पेटाबाइट के कितने बीट्स होते हैं। अगर आपने इसके मेमोरी हायरार्की, इससे पहले वाले क्लासेस में हमने मेमोरी हायरार्की के बारे में समझाया था, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, ये सब हमने बताया था। अगर आपने वो वाला सेशन देखा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही पूरा हलवा है, लड्डू है, खा लेना आपको। चलिए सर, ओके, तो देखो यहाँ पे आपको जो भी उनका राइट हैंड साइड में जो भी ऑप्शन दिया गया है वो आपको नंबर ऑफ बीट्स में गिवन है। तो सिंपली आप अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्टिंग से, जैसे आपको पता है सबसे छोटा होता है कि आपके पास बीट, देन वहाँ पे बाइट बनता है, देन आपके किलो बाइट बनता है। किलो बाइट क्या होता है आपके पास, 1024, this is nothing but your kilobyte. तो 1024 को अगर हम 2 की पावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, this will be nothing but your 2 की पावर 10. ये क्या होता है आपके पास, 2 की पावर 10. ये होता है क्या, this is your KB. आपको पता है अगर हम आगे चलेंगे, KB के आगे क्या है आपके पास है MB, मेगाबाइट। तो देखो मेगाबाइट में क्या होगा, आपको KB के साथ और एक बार 1024 वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 10 यानी कि 2 की पावर 20। आपको पता है जब बेस सेम होता है पावर को हम क्या करते हैं, सिंपली वहां पे हम ऐड कर देते हैं, पावर कहां पे हम सिंपली ऐड कर देते हैं, तो इट विल बी 2 की पावर 20 फॉर योर एमबी। तो यहां पे 2 की पावर 20 हो गया। देन एमबी के आगे कौन सा है आपके पास, जीबी है, उसके साथ और एक बार 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 2 की पावर 30। देन उसके बाद क्या है आपके पास, टीबी, टेराबाइट, 2 की पावर 40, ठीक है, देन आपके पास पेटाबाइट, 2 की पावर 50। तो ऐसे ये चलता रहेगा आगे आगे। तो सिंपली यही चीज आपको दिया गया है मैच करने के लिए, तो देखते हैं मैच करते हैं इसको। देखो एमबी क्या है, एमबी हमने देखा यहाँ पे 2 की पावर 20, एमबी है आपके पास 2 की पावर 20, ठीक है, तो ये हो गया, इसके साथ मैच हो गया, इट विल बी 2 की पावर 20। देन आपके पास क्या है उसके आगे, गीगाबाइट, 2 की पावर 30, देखो 2 की पावर 30 कहाँ पे है, यस, तो ए विल बी 3, ए 3 देखो यहाँ पे है एंड बी विल बी 1, यस, ए 3 एंड बी 1 यही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी देखो आप आराम से भी मैच कर सकते हो, दैट इज योर टीबी विल बी 2 की पावर 40 एंड योर पीबी विल बी 2 की पावर, सर वही है। फिर एक बार मैं सर इनको मेमोरी हायरार्की बता देता हूं, क्या है, क्या हमने बताया था, पढ़ा था बीबी के, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेपर, ओके, यहां पे देखो बीबी के मैनेजमेंट पे जेड वाई, ओके, इतना ही याद रखो, इतना ज्यादा नहीं याद, मतलब ये है हायरार्की इसका, ओके, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेंगे। बी फॉर बीट्स, बी फॉर बाइट्स, के फॉर किलोबाइट, एम फॉर मेगाबाइट, जी फॉर गीगाबाइट, टी फॉर टेराबाइट, पी फॉर पेटाबाइट, ई फॉर हेक्साबाइट, एक्साबाइट, जेड फॉर जोटाबाइट, वाई फॉर योटाबाइट, ओके। तो ऐसे ही आप मेमोरी हायरार्की में इसको आप अरेंज कर सकते हो और आपको आंसर, कितना बढ़िया क्वेश्चन देखा, देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन, बस आपको हायरार्की अगर आपको इसका पता था तो आप आराम से इसको मार्क कर सकते थे। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर पूछा है बहुत ही इजी, बहुत ही सस्ता सुंदर सा क्वेश्चन आपको पूछा है, ले लो फ्री में ये क्वेश्चन को ले लो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएफ, जीआईएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल,
ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट या फिर ग्राफिक्स इनपुट फॉर्मेट? फटाफट से इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर, व्हाट विल द आंसर? देखो फ्रेंड्स, आप लोग सब जीएफ का इस्तेमाल करते हो, चैट जब करते हो बहुत सारे जीएफ सब सेंड करते हो, ठीक है, बॉयफ्रेंड्स को या फिर गर्लफ्रेंड्स को, दिल वो धक-धक करता है, यानी कि देखो वो स्टैटिक इमेज नहीं होते, वो थोड़ा सा डायनेमिक होते, वो चेंज होते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीआईएफ, एंड उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज योर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, क्योंकि वहां पे जो ग्राफिक्स है वो स्टैटिक नहीं, वो डायनामिक है, यानी कि वो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, दैट इज योर जीआईएफ। कोई ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल नहीं होगा, देखो फाइल एंड फॉर्मेट इन दोनों के बीच में आप आई मीन कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन फाइल नहीं होगा, दैट विल बी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, एंड ये देखो ग्लोबल इनपुट फॉर्मेट ये तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड ऐसे बहुत सारे जो भी इमेज फाइल्स फॉर्मेट है, लाइक योर जेपीईजी क्या है, आपके पीएनजी क्या है, अगर आपको लगता है कि आईसीटी के ऊपर हमें एक एब्रीविएशन वाले क्लासेस लेके आने, एक फुल फॉर्म वाले क्लासेस लेके आने हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, जैसे आपका एग्जाम आ रहा है, जो भी सेट के स्टूडेंट्स हो, अगर आपको लगता है कि हमें एक पूरा एब्रीविएशन लेके आना है, आईसीटी के जितने भी एब्रीविएशन है एक ही क्लास में, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए लेके आ जाए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम डेफिनेटली लेके आएंगे। ओके सर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके कविता यूजेस ए वाईफाई एडाप्टर टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू एन इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड। अब यहां पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स है, तो फटाफट से इसका क्वेश्चन को फॉल्स स्टेटमेंट, देखिए ध्यान रखो फॉल्स पूछा है, तो फॉल्स आपको ढूंढना है, एंड जो क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाईफाई आपको पूछा है, वाईफाई पे वाईफाई को बेस करके आपको वहां पे ऑप्शंस को देखना है, एंड वहां पे देखो दो चीजें वाईफाई और एक है, और एक है ब्लूटूथ। क्या लिखा है कि स्टेटमेंट नंबर वन में या फिर ऑप्शन वन में कि ब्लूटूथ हैज ए ग्रेटर रेंज देन वाईफाई, ब्लूटूथ का रेंज ज्यादा है वाईफाई से, ब्लूटूथ सिग्नल्स आर कैपेबल ऑफ पैसिंग थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, वाईफाई हैज ए ग्रेटर रेंज देन ब्लूटूथ, वाईफाई सिग्नल आर कैपेबल ऑफ पैसिंग थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास चार है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन यहाँ पे गलत है, ये आपको बताना है। चार स्टेटमेंट है, आई होप आप सबने इसका आंसर कर लिया होगा। देखो आप सबको पता है सिंपली जो ब्लूटूथ है, एंड आपके जो वाईफाई है, दोनों आपके फोन में रहते हैं, आपने ब्लूटूथ में किसी और मोबाइल को आपने डेटा कोई इमेज वगैरह सेंड किया होगा, ठीक है, एंड वाईफाई तो आपको पता है वाईफाई के साथ कनेक्टेड रहते हो, तो सिंपली ये तो एक बेसिक नॉलेज है सर कि ब्लूटूथ जो होता है, ठीक है, जो आपके ब्लूटूथ होता है उसका जो भी रेंज है बहुत ज्यादा कम होता है, अराउंड 10 मीटर्स, ठीक है, अराउंड 10 मीटर के आसपास रहता है, 10 मीटर के अंदर आप अगर आपके दोनों के दोनों डिवाइसेस है तभी आप वहां पे कनेक्ट हो सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा दूर जाओगे तो वहां पे वो डिसकनेक्ट हो जाता है, तो वाईफाई सॉरी ब्लूटूथ का जो सिग्नल है बहुत ही उसका रेडियस कम है, लेकिन आपके जो वाईफाई है, वाईफाई का जो भी आपके रेडियस है बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा एरिया को वहां पे कवर करता है, आपने देखा होगा, एंड वो डिपेंड करता है कि जो वाईफाई राउटर आप इस्तेमाल करते हो तो उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है, वो कौन सा बैंड को यूज करता है उसके हिसाब से उसका जो एरिया है थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, तो वाईफाई का रेंज डेफिनेटली ज्यादा है। आप देखोगे वाईफाई राउटर कहाँ पे लगाया गया होगा, जैसे फर्स्ट फ्लोर में वाईफाई लगा है तो आप नीचे सेकंड फ्लोर में बैठ के या फिर ग्राउंड फ्लोर में बैठ के उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, इसका वाईफाई का पासवर्ड क्या है, या फिर आपके पड़ोसी के कोई घर है उनके घर में वाईफाई लगा है उसका सिग्नल आपके घर तक आ रहा है तो आप उनका पासवर्ड चुरा के कहीं से कलेक्ट करके लेके आके वहाँ पे उनके इंटरनेट को वहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो, तो वाईफाई का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे वाईफाई के पासवर्ड के नाम भी होते हैं ना, आ गया भीख मांगने, नाम में भी रखे रहते हैं, आ गया भीख मांगने, नहीं बताऊंगा तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट वाईफाई के पासवर्ड, वाईफाई के डिफरेंट डिफरेंट नाम्स भी होते हैं, मतलब अजीब अजीब जंतु पाए जाते हैं इस दुनिया में। ओके तो ये है आपके क्या दोनों का दोनों रेंज, तो देखो पहले लिखा है क्या ब्लूटूथ का रेंज जो है ये ग्रेटर है देन वाईफाई, तो पहले से आपको पता लग रहा है क्या, ये जो आपके पास स्टेटमेंट लिखा गया है ये आपके गलत स्टेटमेंट है, ब्लूटूथ का रेंज कभी भी ज्यादा नहीं होता है किससे, आपके वाईफाई से, यही से आपको आंसर मिल गया, दैट मीन्स ब्लूटूथ का रेंज कम होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर थ्री जो है, देखो वन एंड थ्री ये दोनों आपके कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये बोला है ब्लूटूथ का ज्यादा, ये बोला है वाईफाई का ज्यादा है, तो किसी ना किसी एक का तो ज्यादा होगा ना, मतलब जहां पे कंट्राडिक्टरी हो रहे हैं ना, मतलब जहां पे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा है, जहां पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई ना कोई तो सच होगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बॉयफ्रेंड भी गलत है, गर्लफ्रेंड भी गलत है, या फिर हस्बैंड गलत है, वाइफ भी गलत है, नहीं, कोई तो सच होगा, तो ये बस आपको वन और थ्री में से ही कोई एक आंसर होगा आपको, और आपको चूज कर लेना। एंड यहाँ पे देखो आपके ब्लूटूथ सिग्नल एंड वाईफाई सिग्नल, ये तो आपके जो भी वॉल्स वगैरह होंगे उसको क्रॉस करके वो आराम से जा सकते हैं, आप देखोगे बहुत डिस्टेंस तक वो ट्रैवल आराम से कर लेते हैं।
इसीलिए दीज स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन ये जो फर्स्ट वन ये आपके यहाँ पे गलत हो जाता है। देखो यहाँ पे और एक मैं क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि जो वाईफाई है, देखो वाईफाई हर कोई यूज करता है, वाईफाई हर कोई यूज करता है, मुझे बताओ वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स को वाईफाई का फुल फॉर्म पता है, क्योंकि वाईफाई का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में, आगे भी पूछा जा सकता है, एंड ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एसेशन रीजन का क्वेश्चन दिया है, फिर से आ गया राम, ओ जो शैतान वाला बच्चा। रैंडम एसेस मेमोरी क्या ये वोलेटाइल है, और क्या ये स्टोर डेटा प्रोग्राम जो करेंटली जो काम में चल रहा है, जो करेंटली यूज में चल रहा है, क्या रैम का काम वही है, उसी को यू स्टोर करना, ट्रू और फॉल्स, क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं। रैम जो है ये स्टोर करता है मीडियम दैट रिटेन इट कॉन्टेंट इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन टर्नड ऑफ। जैसे आप किसी काम कर रहे थे और बत्ती गुल हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है, तो आपको यहाँ बताना है जब बत्ती गुल हो जाती है, जब लाइट ऑफ हो जाता है, क्या रैम स्टोर कर पाता है जो भी कंटेंट के ऊपर काम कर रहे थे, क्या उसको रैम स्टोर करके रख पाएगा या नहीं पाएगा जब सप्लाई ऑफ हो जाता है, आपको बताना है। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में सभी ने आंसर मार्क कर लिया होगा। रैम तो हमने भर के हर क्वेश्चन, हर दिन जितने भी हमने 5 क्वेश्चन से डे कर रहे हैं, हर दिन रैम के ऊपर आपने क्वेश्चन किया ही होगा, क्योंकि सर मेमोरी सेक्शन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो देखो पहला जो एसेशन बोला है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वोलेटाइल मेमोरी, बहुत बढ़िया, ये तो सबको पता है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो पावर सप्लाई कट ऑफ होने पे डेटा वहां से इरेज हो जाता है बाय डिफॉल्ट, एंड स्टोर्स द डेटा और प्रोग्राम करेंटली इन यूज। तो जो भी मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, मान लो आप व्हाट्सएप चला रहे हो या फिर कोई भी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हो, वर्ड फाइल में कुछ लिख रहे हो, तो जो भी सब कुछ काम हो रहा है ना, वो सब आपके रैम के अंदर ही होता है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोडाउन है आपका, परमानेंट स्टोरेज करने के लिए वहां पे यूज किया जाता है, लेकिन जो भी आपका प्रोसेसिंग चल रहा है उस वक्त उसको तो कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा ना, तो वो आपका रैम में रहता है, एंड ये आपके क्या है, वोलेटाइल है। तो नेक्स्ट रीजन क्या बोल रहा है कि रैम इज ए स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट्स इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन टर्न ऑफ। देखो ये वही फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गया, यहाँ पे आप बोले कि वोलेटाइल है वो भूल जा रहा है, यहाँ पे बोले कि नहीं वो याद रख रहा है, तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए पहला तो सही है, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे जो ये है, दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, तो आपके फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ओनली ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, आर है यहाँ पे आपके पास करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो राम, मैंने लास्ट पहले क्लासेस में बताया था, राम एक शैतान सा बच्चा है जिसका मन बहुत ही ज्यादा विचलित होते रहता है, और शैतानी में राम नंबर वन है। ओके, सब राम साधु नहीं होते, सब राम साधु नहीं होते, कुछ राम शैतान भी होते हैं, तो ये शैतानी में नंबर वन होते हैं और इतना फर्स्ट करते हैं। जैसे रैम क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एसेसिबिलिटी, यहाँ पे बहुत जल्दी एसेसिबिलिटी कर सकते हो, तो ये फास्टर होता है इन टर्म्स ऑफ एसेसिबिलिटी। बट राम जो होता है पढ़ने में कमजोर था, अब राम जो है पढ़ने में कमजोर था तो इसको कुछ भी चीज याद नहीं होता है। अब ये इसको याद कब होता है, कब ये याद कर पाता है, जब ट्यूशन मास्टर, जो स्कूल मास्टर, जो ट्यूशन मास्टर जब उसको पढ़ा रहा है उसी टाइम में वो याद करता है, एक बार ट्यूशन खत्म हो गया तो वो सारे के सारे कंटेंट भूल जाता है, तो ये है रैम। ओके सर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फायरवॉल से क्वेश्चन आया है, फायरवॉल, ओके, आग की दीवार, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क अगेंस्ट व्हाट, फायर अटैक, आग से बचाएगा आपको, अनऑथराइज्ड अटैक, इंटरनल अटैक, या फिर ऑथराइज्ड अटैक। चलिए फटाफट से बताइए, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, खा लो, फ्री में मिल रहा है, ले लो। व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यस सर, सुंदर सा डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखो ये आग जला हुआ है यहाँ पे, ये आग जल रहा है, ये आपका कंप्यूटर है, एंड वहां पे एक वाल है जिसमें आग लगा हुआ है, ठीक है। फायरवॉल का मतलब यही है ना? नहीं, फायरवॉल का मतलब ये नहीं है, कोई ऐसे फिजिकल वाल नहीं होता है। फायरवॉल आपके सिस्टम में, देखो आइदर आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होते हैं, नहीं तो कहीं की जगह पे आपके
हार्डवेयर फायरवॉल्स भी वहां पे यूज किए जाते हैं। अगर ज्यादा सिक्योर सिस्टम है, वहां पे सिक्योरिटी का कंसर्न ज्यादा है, तो वहां पे आपको हार्डवेयर फायरवॉल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन दोनों का काम सेम है। काम क्या है कि आपके सिस्टम में, देखो आपके सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी जगह से ट्रैफिक आता है। जैसे मान लो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, किसी दोस्त ने आपको कुछ फाइल भेजा, जो भी है, जो भी नेटवर्क के साथ जब आप कनेक्टेड होते हो तो उसके बीच में एक दीवार खड़ा रहता है। वो दीवार क्या है, मतलब वो लॉजिकली ऐसे सोचो, जैसे मान लो आपके घर है एंड आपके घर को आपने बाउंड्रीज में कवर किया है। मान लो आपकी ये घर है, यहाँ पे आपने घर बनाया है एंड आपने उस घर को बाउंड्री में कवर किया है एंड उसका एक मान लो यहाँ पे एक एंट्रेंस गेट है, ये यहाँ पे एक वॉल है एंड यहाँ पे क्या होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा बैठा रहता है, जो कि क्या करता है, जो भी पर्सन अंदर आएगा, क्योंकि अंदर आने का यही एक रास्ता है, आप और कहीं से आ नहीं सकते, अंदर आने का यही एक रास्ता है एंड उस रास्ते में आपने एक गार्ड को बैठाया है, जो क्या करेगा, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, जिसका मतलब एक्सेस है, जैसे आपके घर के कोई मेंबर हो गया, फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो, कोई फैमिली हो गया, तो उनको वो आने देगा, लेकिन बाकी जैसे बाहर कोई जा रहा है उसको तो आने नहीं देगा, ठीक है। या फिर जो कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है, जिसको आप नहीं चाहते कि आपके घर के अंदर आए, उसको भी वो आने नहीं देगा। तो वही है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है कौन, आपके ये फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है कि जो भी पैकेट्स आ रहे हैं एंड जा रहे हैं, उनको वो मॉनिटर करता है कि ये जो पैकेट आ रहा है मेरे सिस्टम में, क्या एक ऑथराइज पैकेट है, कि मेरे सिस्टम के लिए ही आया है या फिर किसी और का फाइल है मेरे सिस्टम में ऐसे जबरदस्ती आ रहा है, या फिर कोई ऐसा हैकर आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सब चीज को वो वहां पे मॉनिटर करता है एंड उनको वो ब्लॉक करता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेफिनेटली ऑन ऑथराइज अटैक। देखो फायर अटैक तो बिल्कुल नहीं होगा एंड आपके इंटरनल अटैक नहीं होगा। इंटरनल अटैक यानी कि आपके सिस्टम के अंदर अगर कुछ वायरस वगैरह यहाँ पे अटैक कर रहे हैं तो उसको नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बाहर वाले। जैसे देखो आपके सिक्योरिटी गार्ड है, वो उसका काम क्या है कि बाहर में जो आ रहे उनको बचाएगा। अगर आप घर में ही मारामारी कर रहे हो आप अपने आपके बीच में, तो वो क्या करेगा, उसका तो काम वो नहीं है, उसका तो काम गेट कीपिंग करना है, तो उसका काम वो है। तो इंटरनल अटैक को वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अनऑथराइज अटैक्स होते हैं तो उसको वहां पे बचाएगा। अनऑथराइज अटैक तो होगा नहीं, ऑथराइज अटैक कैसे हो सकता है। ओके, सो दिस वाज आई थिंक यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। एंड हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था, मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को बताना है इन द चार सेक्शन। पता ही नहीं चला सर, पांच क्वेश्चन कब हो गया, कब हो गया, हंसते खिलते पांच क्वेश्चन कब हो गया ये पता ही नहीं चला। तो आई होप आपको भी पता नहीं हो चला होगा कि आप हमारे साथ जुड़े हो, हंसी मजाक कॉमेडी के साथ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको बोरियत फील ना हो। ओके, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। देखो हम यहाँ पे छोटे छोटे निमोनिक सर ने बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ, बाउंड्री के साथ घर का एग्जांपल दे के समझाया। मैंने भी आपको रैम को कैसे याद रख सकते हो, रैम और रोम को कैसे याद रख सकते हो, वो भी मैंने बता दिया। अब देखो ये उस स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा जिसको कुछ भी पता नहीं है आईसीटी के बारे में, जो थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि जो तो टेक्निकल बैकग्राउंड से वो तो आराम समझ जाएंगे, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बहुत सारे सब्जेक्ट से, अराउंड जो 84 सब्जेक्ट है, 90 सब्जेक्ट है, उनमें से बहुत सारे, आई मीन 95% के आसपास नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, तो उनको ये सब समझ में थोड़ा सा नहीं आता, तो इसलिए हम आसान भाषा में इसी के लिए रिलेट करके पढ़ने का कोशिश करते हो। जितना ज्यादा आप पढ़ाई को रियल लाइफ सिनेरियो के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा और उतना ही ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। ओके, सो विद दैट नोट वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। आई होप आप सब शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, जो भी नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, पेपर वन के लिए और भी पेपर वन के लिए हम आपके लिए लेके आएंगे। बस बने रहिए आईपीएस के साथ, ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहिए, प्यार देते रहिए। ओके, डेफिनेटली हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज करेंगे, बहुत ही और भी अच्छे से चीज लाएंगे, जैसे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड हम मिलेंगे फिर एक नया एपिसोड में, नया सीजन में, जहां पे हम और पांच क्वेश्चन के साथ हमें बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।